हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज जो मार्केट था, आज हम मार्केट में एक भी ट्रेड नहीं ले सकते थे और आज पूरा वर्क मैंने प्राइस एक्शन पे किया। आज मैं आपको बता दूंगा प्राइस एक्शन पे आप कितने ट्रेड ले सकते थे और कितने नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। मैं आज एक भी इंडिकेटर यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, आज मैंने पूरा प्राइस एक्शन वर्क किया। देखो, मार्केट खुला यहाँ पे, इस साइड यहाँ पे मार्केट खुला था, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। मैंने गलती कर दी, इस सपोर्ट पे मुझे लेना चाहिए था, बट मैंने यहाँ ना लेकर यहाँ लिया। बट मैंने बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज ऑफ ये मैंने इतना जो था ना, ये जो डिस्टेंस था, मैंने इसको अपना प्रॉफिट टारगेट मान के चला था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये ले लिया ना, तो आपको इसमें अब आगे दिख रहा होगा ये कप एंड हैंडल, जिसकी नेक नाइन ब्रेक होती मैंने एक इतना अच्छा खासा एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद गाइस मैं सारा हटाता हूँ, ये सब ड्राइंग्स मुझे बनाने को ठीक लगती है बट देखने अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। और अब मैंने गाइस यहाँ पे अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करवाया, जिसका रीज़न था मैं इसको ये समझ रहा था कि ये ऐसे करके ऐसे हो गया, बट मैं समझ रहा था ऐसे करके नीचे जाएगा, क्योंकि मैं एक इसको रिवर्सल समझ रहा था, बिकॉज ऑफ ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था ना, इस चक्कर में छोटा सा था, वैसे ही रेजिस्टेंस ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, उसका कोई परेशानी नहीं है। वैसे ओवरऑल मैंने यहाँ वैसे 25 पॉइंट गवाए और यहाँ पे आप 95 पॉइंट्स मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, प्लस यहाँ पे भी 95 पॉइंट्स लगभग मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको ये ट्रेड मिल सकता था, मैंने तीन ट्रेड के बाद मैंने स्टॉप लॉस खाने के बाद मैंने नहीं करता। उसके बाद देखो ये एक एम पैटर्न आपको ये वाला ट्रेड मिल सकता था, ठीक है ना। आप प्राइस एक्शन पे वर्क करो, ठीक है, प्राइस एक्शन पे वर्क करना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपने कोई बात नहीं, वो छूट गया, ख़राब हो गया। आप यहाँ पे 50 पॉइंट्स लगभग यहाँ पे भी खींच सकते थे। उसके बाद एज आज जैसे मैंने आपको बताया, कई बार जब मार्केट एक ही रेंज में बार बार चलता रहे समझ जाओ गड़बड़ है। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था पुराना, और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता ना, तो आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छे मोटे मोटे ट्रेड निकाल लिए होते। मैं तो यहाँ पे मान कर चल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी 118 पॉइंट आपके खाते में होते। तो आप प्राइस एक्शन पे वर्क करो, 3 से 4 ट्रेड आपको, 5 से 6 ट्रेड आपको डेली मिलेंगे, बट आपको वर्क करना चाहिए, आप सीखो उसको, ठीक है। जो चीज़ आप सीख सकते हो ना, उसको सीखो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं नहीं कहता मेरे यूट्यूब चैनल से सीखो, वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सारा कंटेंट मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। आप सीखो, कोई कोई बात नहीं, सीखो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीखने से ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी पूरा ओवरऑल जो मार्केट था, आज मार्केट अच्छा रहा। किसी ने अगर यहाँ बाय किया होता, अगर उसके पास पेशेंस होता ना, तो यहाँ तक अगर वो लेके गया होता, तो 350 पॉइंट उसको खाते में थे। मैंने यहाँ पर लगाया था, तो 350 पॉइंट उसके खाते में जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल ठीक था मार्केट आज का, और आप मुझे बता देना आपका मार्केट कैसा रहा।